हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3 ऑफ द नोवेल कांतापुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर द राइटर इंट्रोड्यूसेस भट्टा द गवर्नमेंट एजेंट। ही इज़ अ रिच मैन, द विलेजर्स रिस्पेक्ट हिम। चैप्टर 3 में नोवेलिस्ट हमें एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करता है जिनका नाम है भट्टा। वो एक गवर्नमेंट एजेंट है। यहाँ बोला गया है कि वो उनके अंदर वो एक अच्छे आदमी है, बट वो एक मिक्सचर है गुड एंड बैड क्वालिटीज़ का। ही इज़ अ ब्राह्मिन एंड इन हिज यूथ ही सर्वाइव्ड ऑन दक्षिणा विच ही गेट्स फ्रॉम रिलीजियस माइंडेड पीपल। ही ऑल्सो अर्न्स बाई टेलिंग पीपल अबाउट द ऑस्पिशियस डेज एंड द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स। ही ऑल्सो ऑफिशिएटेड एज अ प्रिस्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज और अ बर्थडे। तो भट्टा एक ब्राह्मिन है और इसके साथ साथ वो ये काम भी करते हैं कि लोगों को जो उनके शुभ मुहूर्त का कुछ डेट होती है, जन्मदिन या फिर कोई और इवेंट जो वो करवाना चाहते हैं उसकी तारीख निकाल कर वो देते हैं। और शादी या जन्मदिन के जैसे अवसरों पर वो एक प्रीस्ट या फिर पंडित का काम भी करते हैं। इन दिस वे ही हॉर्ड्स अ लॉट ऑफ मनी, देन ही स्टार्ट्स द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग। वेरी सून ही बिकम्स वेरी रिच। ही एक्सप्लॉइट्स द नीडी विलेजर्स विद वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो इनिशियली जो भट्टा थे वो एक पंडित का काम करते थे, बट ऐसे उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और उसके बाद उन्होंने मनी लेंडिंग का बिजनेस शुरू किया। तो वो गरीबों को और नीडी को मनी लेंड करते थे, बट जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती थी उसी हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखते थे। देन ही एक्सपैंड्स हिज बिजनेस बाय मॉर्टगेजिंग लैंड्स एंड हाउसेस। जनरली दी डेब्टर्स आर अनेबल टू पे बैक दी मनी एंड ही इजिली ग्रैब्स द प्रॉपर्टी। तो मनी लेंडिंग के बाद भल्टा ने एक और बिजनेस शुरू किया जिसमें कि लोग गिरवी रख सकते थे अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी अपने घर को और उनसे लोन ले सकते थे। पर ज़्यादातर केसेस में क्या होता था कि वो पैसे लौटाने में सक्षम नहीं होते थे और भट्टा उनकी प्रॉपर्टी को छीन लेता था। सो बाय नाउ ही इज़ द ओनर ऑफ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द विलेज। तो ऐसा कर करके ऑलमोस्ट आधा गाँव उसके अंडर आ चुका है। वन डे हिज नेग्लेक्टेड वाइफ डाइड एंड वेन हर फुट स्लिप भट्टा गेट्स मैरिड अगेन एंड हिज न्यू वाइफ ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कैश एंड 5 acres ऑफ लैंड एज डोरी। तो भट्टा की पहली पत्नी फिसल कर गिर जाती है और इसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भट्टा दूसरी शादी करते हैं और उनकी जो वाइफ है, सेकेंड वाइफ है, वो बहुत सारा धन लेकर आती है। ही स्टिल प्रॉस्पर्स इन मनी लेंडिंग बिजनेस एंड ग्रोज रिचर, बट ही प्रिटेंड्स टू हेल्प पीपल एंड अर्न देयर रिस्पेक्ट। ही हेल्प्स देम इन लॉ केसेस, ही एंगेजेस अ सिटी एडवोकेट एंड सेव्स देम फ्रॉम द ट्रबल ऑफ गोइंग टू सिटी फॉर दिस पर्पस। तो ये सब धोखाधड़ी करने के बाद भट्टा जो है एक अच्छा काम भी करते हैं। वो ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने पास एक लॉयर रखते हैं। तो कोई भी लीगल मैटर होता है तो उसमें गाँव वाले उससे मदद मांग सकते हैं ताकि उन्हें शहर तक ना जाना पड़े उस समस्या के लिए, और इसके लिए वो उनसे मनी चार्ज करता है। Secondly, in doing so, he acquires a lot of legal knowledge also. Thus, he grows in wealth as well as in social prestige. तो वो ऐसा कर करके एक तो पैसे भी कमा रहा है, दूसरा दो लोगों की रिस्पेक्ट भी उसको मिल रही है। We know that Jaya Ramchar is arrested for giving political messages in his sermons. Murthy goes to the city and comes under the influence of Gandhi. तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जया रामचर जो है अपने उपदेशों में एक राजनीतिक संदेश देता था और इसी कारण उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इससे मूर्ति को बहुत ठेस पहुंचती है और वो शहर चला जाता है। वहाँ वो गांधी जी की इन्फ्लुएंस में आ जाता है। ही स्टार्ट स्प्रेडिंग हिज आइडियल्स इन द विलेज। भट्टा लाइक द गांधी भजन इन द बिगनिंग, बट लेटर ही बिकम्स हॉस्टाइल टू द गांधियन मूवमेंट। ही स्टार्ट टेलिंग द ब्राह्मण्स ऑफ द विलेज दैट द स्वामी वुड एक्सकम्युनिकेट देम इफ मूर्ति डजंट स्टॉप मेकिंग विद द परिहास। तो मूर्ति क्या करता है, गांव में वापस आता है और गांधी जी के संदेशों को वहां पर फैलाने लग जाता है। तो शुरू में तो भट्टा को गांधी जी के भजन बहुत ही अच्छे लगते थे, लेकिन बाद में वो भी इनका विरोध करना शुरू कर देता है। भट्टा गांव के जो ब्राह्मण होते हैं उनको भड़काना शुरू कर देता है कि यदि मूर्ति परिहाओं से मिलना बंद नहीं करेगा तो उसका भी बहिष्कार कर दिया जाएगा। ही बिकम्स अ गवर्नमेंट एजेंट एंड टर्न्स अगेंस्ट द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो इस वक्त क्या करता है, जो भट्टा होता है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाता है और जो ये मूवमेंट होती है, जो ये राष्ट्रवादी आंदोलन होता है, उसकी खिलाफत करने लग जाता है। मूर्ति इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द अरेस्ट ऑफ जया रामचर। नाउ ही बिकम्स अ ट्रू गांधी फॉलोअर। इन द सिटी ही हर्ड गांधी स्पीकिंग इन अ पब्लिक मीटिंग। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय हिज वर्ड्स।
जया रामचर का अरेस्ट मूर्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, इसलिए वो अब गांधी जी का सच्चा अनुयायी बन जाता है। जब मूर्ति शहर जाता है, उसने वहाँ गांधी जी को एक सार्वजनिक समारोह में भाषण देते हुए सुना था और वो उनके शब्दों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, तभी से मूर्ति राष्ट्रवादी बन जाता है। ही गिव्स अप फॉरन क्लोथ्स एंड स्टार्टेड वियरिंग होम स्पन खादी क्लोथ्स। ही रिटर्न्स टू द सिटी विद अ बंडल ऑफ पोस्टर्स अबाउट नेशनलिस्ट मूवमेंट। मूर्ति विदेशी कपड़ों का त्याग कर देता है और घर के बुने हुए खादी कपड़े ही पहनने लगता है। वह शहर से राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में बहुत सारे विज्ञापन लेकर आता है। ही ऑल्सो ब्रिंग्स कॉटन एंड स्पिनिंग व्हील्स। सून हिज बिग हाउस बिकम्स द ऑफिस ऑफ द विलेज कांग्रेस कमेटी। रंगम्मा ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन दीज एक्टिविटीज। हर नीस रत्ना इज अ यंग विडो। शी ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द नेशनल मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट। देर आर सम रेफरेंसेज टू द अट्रैक्शन बिटवीन रत्ना एंड मूर्ति। तो पोस्टर्स के साथ साथ मूर्ति चरखा और बहुत सारी रुई भी लेकर आता है और जल्द ही उसका घर जो होता है, बड़ा सा घर होता है गांव के अंदर, वो कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बन जाता है। रंगम्मा भी जो गतिविधियाँ होती है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। उसकी एक भतीजी होती है जो कि विधवा होती है एंड शी वॉज अ यंग गर्ल, वो भी मूर्ति का सपोर्ट करती है। चैप्टर में कहीं कहीं रेफरेंस होता है जहाँ पे हमें ये पता चलता है रत्ना मूर्ति को पसंद करती है। मूर्ति एंड हिज फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूट फ्री चरखास टू द विलेजर्स। मूर्ति विजिट्स ऑल द मोहल्लास ऑफ द विलेज इंक्लूडिंग द ब्राह्मण मोहल्ला एंड शूद्र मोहल्लास। ही टेल्स देम दैट दे वुड डू ग्रेट सर्विस टू द नेशन बाय स्पिनिंग खादी यार्न। मूर्ति और उसके मित्र गांव में मुफ्त चरखा बांटते हैं। मूर्ति गांव के सभी मोहल्लों में जाता है, चाहे वो ब्राह्मण का मोहल्ला हो चाहे वो शूद्रों का मोहल्ला हो, और वो उन्हें खादी सूत काट कर देश की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। ही टेल्स देम दैट फॉर द फर्स्ट मंथ द कॉटन इज फ्री। तो वो कहता है कि पहले महीने के लिए वो फ्री में उन्हें रुई प्रदान करेगा। ही सेज दैट वेन दे बाय फॉरन क्लोथ्स ऑल आवर मनी गोज टू द फॉरन कंट्री। तो जैसे ही हम विदेशी कपड़ा खरीदते हैं तो सारा पैसा हमारा विदेश चला जाता है। दे कैन प्रिवेंट दिस बाय स्पिनिंग कॉटन यार्न एंड वीविंग खादी क्लोथ्स। तो उन्हें बताता है कि ऐसा रोका जा सकता है अगर हम खुद से ही खादी के कपड़े बुने और कॉटन या फिर सूत को काट कर कपड़े बनाएं। मैनी पीपल ऑफ द विलेज फॉलोड हिम एंड टुक स्पिनिंग व्हील फ्रॉम हिम। ही टेल्स देम दैट महात्मा गांधी ऑल्सो स्पिन्स फॉर 2 आवर्स डेली। तो गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो मूर्ति की बात मान लेते हैं और उससे चरखा ले लेते हैं। मूर्ति उन्होंने उन्हें ये भी बताता है कि महात्मा गांधी भी खुद 2 घंटे हर दिन चरखा चलाते हैं। तो चैप्टर 3 में 2 मेन वुमेन कैरेक्टर्स के बारे में भी बताया गया है। फर्स्ट इज नरसम्मा जो कि मूर्ति की मदर होती है। दूसरी है रत्ना। रत्ना जो है रंगम्मा की सिस्टर है, कलम्मा उसकी डॉटर होती है। तो जो नरसम्मा होती है वो एक बहुत ही रिलीजियस लेडी होती है। वो एक ट्रेडिशनल मदर भी है। वो चाहती है कि उनका सन जो है मूर्ति वो सेटल हो जाए लाइफ में, उसकी भी शादी वगैरह हो जाए। उनके मन में अपने बेटे के लिए डर भी होता है कि जैसे वो परिहास वगैरह के साथ भी इंटरेक्शन रखता है विलेज में, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। जो दूसरी विमेन करेक्टर है वो है रत्ना। वो एक प्रोग्रेसिव आउटलुक की विमेन है। तो विधवाओं पर जो समाज रेस्ट्रिक्शंस लगाता है वो उनको ओपनली डिफाई करती है, उनको मानने से इनकार कर देती है। विधवा होने के बाद भी वो बैंगल्स पहनती है, नोज रिंग, ईयरिंग्स सब कुछ पहनती है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे मूर्ति जो है सच्चाई, साहस और देशभक्ति का परिचय देता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।